देख मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी वीरा के पास आना भी मत, नहीं तो तुम मारा जाएगा। और मेरी वीरा को काटने का सोचना भी मत। तू सोच, अगर तन्नू कोई काटेगा तन्नू कितना दर्द होगा। जा, देख एक और मार देता। बहुत चुप जा, पर मार नहीं रहा था। वो तो इतने कितने सारे मच्छर हैं, आ ही जा रहे। रणवीर आजा बैठ, एक पराठा खा ले, शाम को ठीक से तूने खाना भी नहीं खाया, बैठ जा ले खा ले। नहीं बीजी, मन नहीं कर रहा। अरे मन क्यों नहीं कर रहा, इधर देख, मैंने तेरे पसंद की चटनी भी लगाई है पराठे पर, अच्छी लगती है ना, और चटनी की खुशबू से खाने का मन अपने आप करता है। आ आ आ चटनी की खुशबू से सबका खाने का मन करता है। हाँ सबका खाने का मन करता है। ये आखिरी निवाला, पानी यहाँ रख देती हूँ और तू जल्दी से सो जाना, ठीक है? लाइट बंद कर देती हूँ। बीजी, वो पापा जी वाली लाइट चलाओ ना, जब मन डर लगता था तो पापा जी लेके आए थे ना छोटी सी। सरपंच जी, आज मैंनू भी अपनी जिंदगी के अंधेरे से बहुत डर लग रहा है। दूर कर दो, लौट आओ। मैंने तेरे पसंद की चटनी भी लगाई है पराठे पर, इतना अच्छी लगती है ना, और चटनी की खुशबू से खाने का मन अपने आप करता है। अगर मैं ये चटनी अपने ऊपर लगाकर सोऊंगा तो सारे मच्छर का मन मन्नू ही काटने को होगा, और वीरा की तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। वीरा अब तू आराम से सो जाना, अब तन्नू कोई भी मच्छर नहीं काटेगा। देख अब तन्नू घबराने की जरूरत नहीं है, अब तू आराम से सो जा, जितने भी मच्छर आएंगे सब मैंनू ही खाएंगे, बीमार पड़ूंगा तो मैं, तू नहीं। और हाँ, रात को ना सरक के मेरे पास मत आना, आज दूर ही रहना तू।